एक कैलन की एक एक गोटी, ये बन गया अपना टॉक करने के लिए एक स्पेशल टूल, जुगाड़ी करना पड़ा और मिल गया ये 25 to 135 का टॉक रेंच। एक छोटा सा काम करने के लिए इतना लंबा सफ़र, और थैंक्स टू जॉनी और सैयद भाई मेरा काम आसान हो गया। कल रात को थोड़ा सा मेरी शाम को थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, इसलिए लेट वीडियो एडिट करके अपलोड किया। अभी फटाफट जाते हैं आगे का चक्के को टॉक करते हैं, पीछे का चेन क्लीन करके लूप कर लेते हैं और कल से पैकिंग वाला ब्लॉग चालू करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हर एक कंपनी का एक सर्विस मैनुअल होता है या वर्कशॉप मैनुअल होता है, जहाँ पे यहाँ पे एक्सल पे लिखा हुआ है कितना, 65 Nm टॉर्क। तो फ्रंट व्हील का ट्रैम टाइगर का 65 Nm टॉर्क पे होता है, पीछे का जो व्हील है उसे 110 Nm टॉर्क पे आपको टाइट करना पड़ता है। फ्रंट व्हील का काम हो गया, अभी रेयर व्हील पे जाते हैं, चेन क्लीन करते हैं। लेट मी शो यू द राइट वे, क्लीन माई चेन एंड एडजस्ट माई चेन स्प्रॉकेट। चेन के बारे में बात करने से पहले आपको ये तो जनरल नॉलेज है, चेन इज लाइक मल्टीपल लिंक्स विच आर स्टिच्ड टुगेदर बिकम्स वन चेन, जिसके वजह से है ना आपको ये देख रहे हो ना, जब ये चेन घुसता है ना, ये लिंकेज का मूवमेंट फ्री रहना चाहिए और इसमें कोई भी जंप नहीं रहना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में अगर ये लिंकेज स्टिफ हो जाता है और ये सीधा नहीं रहता, ऐसे रोप के जैसा नहीं रहता, तो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर चेन, ऑन योर लूप एंड ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट चेन इज स्ट्रेटन्ड अप अगेन। तो वो है, इट इज़ एक्चुअली लूप्ड एंड केप्ट रियली वेल, बट आप लोगों को दिखाने के लिए और मेरे दिल के सेटिस्फैक्शन के लिए बिफोर आई स्टार्ट माई जर्नी के पूरा अपना इक्विपमेंट टेस्ट करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो हमने पूरा तो गाड़ी तो चेक कर लिया, सिर्फ फ्रंट व्हील का प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट आउट कर लिया, अभी एक बार चेन क्लीन करके लूप कर देते हैं तो दिल को तसल्ली हो जाती है। और उसके बाद जब कल हम लगेज लोड करेंगे उसके बाद चेन एडजस्ट करेंगे। लगेज लोड करने के लिए थोड़ा सा हमको टाइम चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हमको टूल ढूंढने में ही लग गया। तो लेट्स स्टार्ट टुडे। और दूसरी बात, चेन क्लीनर हमको नहीं मिला, इसलिए यूजिंग पेट्रोल, थैंक्स टू सैयद भाई हु इज़ कैरिंग इन ए टूल किट, ये वाला स्प्रे और पेट्रोल। पेट्रोल में आप क्लीन क्यों कर रहे हो पूछोगे, पेट्रोल क्या है ये, आप चेन क्लीनर ले लो या कोई भी चीज़ लो, केरोसिन नहीं, पेट्रोल एक बार लगता है और ये पूरा डीग्रीस करता है। डीग्रीस करने के बाद जब आप पोंछते हो तो डीग्रीस का काम भी करने के बाद ये कोई स्ट्रेन नहीं छोड़ता ऑयल का, और जल्द से जल्द ये सूख जाता है, जिसके बाद सूखने के बाद जब हम चेन स्प्रे लगाएंगे तो एक क्लीन सरफेस पे एक चेन स्प्रे ढंग का बैठता है। अगर आप केरोसिन यूज़ करते हो, केरोसिन यूज़ करने के बाद क्या हो जाता है, उसके ऊपर ऑयल की एक परख बैठ जाती है जो सूखती नहीं, और आप उसके ऊपर चेन स्प्रे मारोगे जब चेन घूमेगा वो ऑयल की परख चेन को भी छोड़ के आपका चेन लूप को भी लेके बाहर निकल जाती है, इसलिए फ्रीक्वेंटली आपको लूप करना पड़ता है। तो आई प्रिफर पेट्रोल जो स्टार्ट करता है और ख़त्म भी मीन्स उड़ भी जाता है, उसके बाद मेरे को क्लीन सरफेस मिल जाता है। पहला काम होता है चेन को है ना पेट्रोल को स्प्रे करके उसे डीग्रीस करना। इसमें स्प्रे को मैंने स्ट्रेट डालने की जगह उसे थोड़ा सा स्प्रेड डाला हुआ है, तो पहले ये डीग्रीस करने दो। हाँ, ये हो गया एक सॉकेट, और उसके बाद ये वाला पार्ट है, इनर चेन। एक बार हम ब्रश के अंदर भी डिग्रीसर लगा लेंगे, यू कैन यूज़ द चेन क्लीनर और आई एम यूजिंग पेट्रोल, क्योंकि जहाँ पे सूख गया है वहाँ पे ये काम करना चालू कर लेगा। तो ये रहा अंदर वाला आउटर पार्ट के लिए, इनर पार्ट। अब देखो भाई, ये सब कुछ अंदर बाहर दोनों साइड से घिस गया है। अब बहुत सारे हीरो लोग होते हैं जो गाड़ी चालू करके ब्रश लगा लेते हैं या हाथ लगाते हैं, ये हीरोपंती हमने भी किया था, पर जब हमारे दोस्त को देखा कि ये हीरोपंती करते करते उसकी उंगली जो इतनी लंबी थी इतनी हो गई,
उसके बाद हमने वो हीरोपंती करना छोड़ दिया, ब्रश यूज़ करते हैं और आराम से एक दोस्त का हेल्प ले लेते हैं, वरना खुद थोड़ा सा आराम से बैठ के थोड़ा थोड़ा करके क्लीन कर लेते हैं। अभी हो गया है जी चैन क्लीन, जितनी गंदगी हाथ में है यहाँ पे देख लो, ये हाथ नहीं, ये हाथ पूरा गंदा ही हुआ है पूरा, ये हाथ देख लो, ये देखो जितना था उतना ही है। तो अभी ये पूरा क्लीन हो चुका है, थोड़ी देर इसे छोड़ते हैं कि पेट्रोल एवोपरेट हो जाए और उसके बाद आगे का काम। तो थोड़ा सा वापस हाथ थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया, नो डस्ट। जब ये ऐसे शेक करते हो ना तो वेटनेस नहीं रहना चाहिए, एकदम ड्राइनेस रहना चाहिए। अभी हम यूज़ करेंगे C1 जो क्लीन वापस और एक राउंड क्लीन कर लेंगे, उसके बाद ये ड्राई होने के बाद यूज़ करेंगे C2 यानी लूप। तो पहले क्लीनिंग, और अभी चाहिए, अभी एकदम क्लीन हो गया, अभी मेरे को चाहिए क्लीन कपड़ा जिससे ये इसे पोंछ सके। यहाँ पे देख लेना, इस साइड ये मेरे को उंगली बचाता है, इस साइड ये मेरे को उंगली बचाता है, तो मेरा हाथ का मूवमेंट सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही है, ना चेन स्प्रॉकेट के अंदर, ना ये पीछे वाले, ना आगे वाले में, जिससे रोलर्स भी एक बार घूम जाते हैं और क्लीन भी ढंग से हो जाता है। क्लीन करते मेरे उंगलियां क्लीन हो गई यार, अभी देखो दिख रहा है, कुछ नहीं है। इतनी क्लीन, पहले चेन करनी पड़ती है, उसके बाद वापस इसे ड्राई करना पड़ता है, ड्राई करने के बाद हम लगाएंगे लूप। कंप्लीट सूख गया है, तो दिस इज रेडी फॉर अ लूप और एकदम सॉफ्ट है। यहाँ पे ना एक मिथ है, लोग चेन लूप है ना, जितना भी 95% जो मैंने देखा है वो लगाते हैं ऐसे, राइट? भाई इतना सोचो, ये ऊपर का जो ये रिंग है और ये है, यहाँ पे आपका मर्जन नहीं होता, यानी इसका जो चेन स्प्रॉकेट है वो वहाँ पे नहीं बैठता, उसका जो कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया होता है वो होता है यहाँ पे, यानी इनर चेन पे। और इनर चेन पे जब आप यहाँ पे स्प्रे करते हो इस लिंक पे, तो वो मैं ग्रेविटी से पूरे लिंक को वो ऐसे आके पूरा फिलअप करता है, एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया वेर यू नीड टू लूप योर चेन, ये वाला दिख रहा है यहाँ पे सेंटर पे, अगर आप लूप करो, घुमाओ सेंटर पे, अगर आप इधर लूप करोगे तो यहाँ तक वो आ ही जाएगा नीचे तक। अब इसे छोड़ देते हैं सूखने के लिए, चेन लूप को अंदर से यहाँ पे जाता है और यहाँ तक वो ऑटोमेटिक ग्रेविटी से ऐसे घूम जाता है, और उसे आराम से एक रोटेशन करो, छोड़ दो, और थोड़ी देर के बाद वापस एक छोटा सा रोटेशन ऐसे कर दो, जिससे वो पूरा ऊपर और नीचे ढंग से लूप हो जाए। चेन भी क्लीन है, लूप भी हो गया, अब ये दूसरा तीसरा लेयर मैं आराम से कर लूँगा, आपको वेट करवाऊँगा नहीं। अभी चलते हैं BS6 हिमालयन पे, BS6 हिमालयन का एक बार जनरल चेकअप हो जाता है, तो उसके बाद होगा बजाज डोमिनर का एक जनरल चेकअप, ये दोनों गाड़ियों का जनरल चेकअप कर लेते हैं और आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अभी मैंने जस्ट जनरली इंस्पेक्शन किया हुआ है BS6 का, और यहाँ पे भी जैसे मैंने यहाँ पे भी पुराने वाले ब्लॉग में जैसे बताया हुआ था, इधर देखो कितनी चूड़ियाँ हैं, 1, 2, 3, और इधर देखो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये भी व्हील। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे कम घटा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा, और ये व्हील को अगर आप चेक करना चाहते हो ना, एक मिनट, ये टाइट है, टाइट है, टाइट है, यहाँ से लूज, समझ में आई बात, यानी चेन यहाँ से लूज है, इस पॉइंट पे आने के बाद चेन यहाँ पे टाइट हो गई, यानी जब आपका व्हील ही आगे वाला व्हील और पीछे वाला व्हील दोनों ऐसे अलाइन नहीं है, ये पीछे वाला व्हील ऐसे होता है, ये 99% मैं गाड़ियों में देखा है और 99% टेक्नीशियंस में देखा है कि एक्सल है ना कभी भी ऐसा सीधा नहीं होता, ऐसा टेढ़ा होता है, और
ऑब्वियसली आपका चेन भी खाएगी, आपका बेयरिंग भी खाएगा, आपका कुशन रबर भी जाएगा और आपका हब भी जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं जो मिनिमल देखने पड़ते हैं। अगर आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ पीछे या यहाँ आई बटन में देता हूँ, वो वाला ब्लॉग देखो। आज के कमेंट में मैं पढ़ रहा था कि आप क्या क्या कैरी करते हो, आपका टूल्स बताओ। भाई साहब मैंने तीन तीन वीडियोस बनाए हुए हैं, उसमें ये एक वाला वीडियो है, ये दूसरा वीडियो है, एक और दो, ये दो ब्लॉग्स हैं जो आपको यहाँ आई बटन पे एक के बाद एक आएंगे। देख लेना जो मैं कैरी करता हूँ अपना चलता फिरता गैराज। तो ये वाला हो गया यहाँ व्हील का, और दूसरा आ गया, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे है क्लच। क्लच का जो ये रूटिंग है, अभी आप यहाँ पे देख रहे हो ये इतना ज़्यादा प्ले है और यहाँ से इसका क्लच चालू होता है। इस यहाँ से जब क्लच चालू होता है, यहाँ तक जब लेके आते हो, यूजुअली इन ऑफ रोडिंग वी यूज़ टू फिंगर और अ सिंगल फिंगर। व्हेन वी आर यूजिंग टू फिंगर्स, यहाँ अब जब क्लच ही यहाँ से चालू हो रहा है तो आपके उंगलियाँ दब जाएंगी। तो अगर यहाँ से चालू होना है चाहिए, ये होना चाहिए प्ले थोड़ा सा 5 mm, और यहाँ से क्लच चालू होना है और यहाँ पे ख़त्म होना है, इसके अंदर नहीं आना है क्लच। अभी देखते हैं कोन, कोन का क्या है। अभी ऑलरेडी गाड़ी टेढ़ी चल रही है तो यहाँ पे फ्री है और यहाँ पे टाइट, तो ऑब्वियसली कोन का भी सर्विस करना पड़ेगा। किधर देखो, यहाँ पे आएगी फ्री, इस साइड आ जाएगी, पर यहाँ से देखो इतना मैं फोर्स डालने के बाद भी ये टाइट रहेगा। और क्लच भी यहाँ पे, यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे लेके आओ कम है, अब वही यहाँ पे लेके आओ ज़्यादा हो गया क्लच। तो इसका क्लच का रूटिंग भी ढंग का नहीं है। तो बेसिकली आपको ये चेक करना पड़ता है क्लच का रूटिंग, रेयर व्हील, फ्रंट व्हील, इंजन ऑयल, और इसमें तो रेडिएटर कूलेंट नहीं आता है, बाकी का नट बोल्ट्स हम कल चेक करेंगे। अभी शाम हो रही है, वापस यहाँ पे पब्लिक हो जाएगी, उसके बाद मेरे को बात करने को मौका नहीं मिलेगा। ये टाइगर तो अभी तैयार है, कल मिलते हैं इसके और डोमिनर के साथ।